तो थिंग्स टू वॉच के अडल्ट्रेशन ना हुई हो, मतलब दूध है उसके अंदर अडल्ट्रेशन तो नहीं हुई है, आपका गोश्त है उसके अंदर अडल्ट्रेशन तो नहीं है, हार्मोन तो नहीं लगे हैं गोश्त डालने के लिए, उसको मोटा करने के लिए जानवर को, किसी चीज के अंदर मिर्ची है उसके अंदर आपको पता क्या कुछ डाला जाता है जायका बढ़ाने के लिए, आपको अगर हम लोग मिर्च इस्तेमाल करते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम साबुत मिर्च लेकर आए, आप लोगों की कोशिश होती है शान मसाला ले आए रिफाइंड है, हम चाहते हैं हमें चावल मिल जाए जिसपे छिलका भी लगा हुआ हो, चले लेसर इवल अगर शायद वो उसके ऊपर स्प्रे हुआ होगा लेकिन लेसर इवल तो है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें गार्ड का लंबा राइस मिल जाए साफ सुथरा चमकता हुआ, तो वो चमकता कैसे रहा है, उसको किसी मशीन में डाला गया है, उसको ब्लीच किया गया है, उसके रंग को कोट किया गया है, उसको रंग चढ़ाया गया है, उसको साफ किया गया है, और वो जहर आप खा रहे हैं अपनी थोड़ी सी कन्वीनियंस बचाने के लिए, तो थोड़ी सी जहमत कीजिए, टेबल सॉल्ट हो, इस तरह की प्रोसेस चीजें हो, जाए सोर्स से लेके आए, पाकिस्तान में तो अभी भी आपके पास नहीं बदले मौजूद है, गए हमारे घर में भी इतने बड़े नमक के पत्थर आ जाते हैं उसको आप पीसते रहते हैं, तो आप भी पीसा शुरू करें, लेट्स गो बैक टू यू नो बैक टू बेसिक्स, घरों में चक्कियां लेकर आए मिर्चें जो सियाँ उठा के बोरी से उठा के ले आया करें, उनको खुद पीस लिया करें, बजाय इसके कि आप बाजार के डब्बों के पैकेज मसाले लें जिसमें अडल्ट्रेशन तो है सो है, लेकिन उसके अलावा उस अडल्ट्रेशन के अलावा जो पैकेजिंग है जिसकी वजह से उसको रिफाइंड किया गया है उसका सत्यानाश कर दिया है, छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं, आज का मौसम आने वाला है गन्ना कटेगा, अब वो पता नहीं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो गन्ना सिंथेटिक है उसके ऊपर क्या डला हुआ है, लेकिन चले गन्ना आपकी आंखों के सामने आपका मौसम लगा हुआ है, गन्ने की आप जूस निकलेगा आपको काला स्याह गुड़ मिलेगा, अब ये काला गुड़ जो है डलियों की शक्ल में और ये काला गुड़ होगा, और यही उसकी खूबसूरती है ऑर्गेनिक होने की, ये काला गुड़ है, इसको फंगस भी लग जाएगी, बट ये यही निशानी है कि ये अच्छा गुड़ है, ये ऑर्गेनिक है, अब ये फैक्ट्री वाले जब इसको उठाते हैं तो इसको डाय मारते हैं तो ये व्हाइट गुड़ बन जाता है, फिर ये और फर्दर प्रोसेसिंग होती है तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू, आप बताते हैं ये ब्राउन शुगर बन गई, या अगर आप शहरों में जाकर सुपर स्टोर से शक्कर भी खरीदे तो व्हाइट होती है, जबकि कभी गौर से देखिए शक्कर कभी व्हाइट हो ही नहीं सकती, जैसे टेबल सॉल्ट को प्रोसेस कर दिया गया है ताकि वो आराम से ऐसे गिरता हुआ है, आप कहते नहीं वो जम जाता है, इसी तरीके से शक्कर को भी प्रोसेस कर दिया गया है केमिकल प्रोसेस डाल के, उसमें केमिकल डाल के कि काली जो सी शक्कर है जुड़ जाती है, वो ना जुड़े व्हाइट शक्कर आपको जनाब साफ साफ नजर आए, and you fall in trap, you have your profit of itself, so three, and you trust, put your trust on those commercial adare, jinka koi stake nahi aapke gharon mein, aapki zindagi mein kya hone wala hai, aap mujhe bataye kis shakkar ki yahan pe ek store ke upar packing mein likha hota hai ki isko white kaise kiya gaya, bata do na mujhe uske andar bleach dal ke isko white kiya gaya, agar kuch na bhi kiya hoga sirf bleach dali hogi gur to kala hota hai uska, to as a first step सोर्स पे जाएं गुड़ काला खरीदना शुरू करें घरों में यूज करने के लिए, सेकंड बेहतर ऑप्शन होगी काली शक्कर, तीसरी बेहतर ऑप्शन होगी जो जो प्रोसेस शक्कर, चौथी ऑप्शन होगी आपके पास ब्राउन शुगर, और जो जहर है वो व्हाइट शुगर है, तो गो बैक टू बेसिक्स एज अ फर्स्ट स्टेप, आपके वी हैव स्विच टू द ब्राउन शुगर, फिर आपके नो वी हैव स्विच टू द व्हाइट शक्कर, फिर आपके वी हैव स्विच बैक टू द ब्लैक शक्कर, फिर आपके नहीं अब आप सोर्स पे जाके खुद खराब जाके कोल्डू के बैग से काला गुड़ लेके आते हैं, सो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली मूव बैक टू द बेसिक्स, अब ये आप इसका क्या मैं जवाब दूं, मैं अगर आपसे कोई शक्कर जाके लेके एंजॉय आप भी लाते हैं आप भी लेकर आए, मौसम आएगा आपके सामने होगी उसमें प्रिजर्वेटिव डलना नहीं, जब गन्ने का सीजन है गन्ने में तो फिर ही लग रहा है तो फिर ही कोल्डू का बैग चल रहा है, लेकिन आप कमाने में इतने बिजी हैं कि आप खाने के लिए ऊपर ये समझते हैं कि वापसी भी आते हो यार हाइपरस्टार से ले लेते हैं, सो ऑल द मनी व्हिच यू आर मेक एक्चुअली यू आर जस्ट रिमाइंडिंग इट थ्रोइंग इट अवे एंड यू आर बाइंग दिस, सो प्रोसेस नाउ यू नंबर 3 पैकिंग नाउ यू नंबर 4 नेचुरल हो एंड नंबर 5 ऑर्गेनिक हो,
जो मैंने आपको शक्कर बताई है, अगर फर्ज करें वो गन्ने के ऊपर उन्होंने केमिकल्स डाले हुए थे, पेस्टिसाइड डाले हुए थे, खाद डाली हुई थी, चले ऑर्गेनिक ना रही हो फुली, लेकिन फिर भी एटलीस्ट नेचुरल थी, पैक नहीं थी और प्रोसेस नहीं थी, उसका डिट्रेशन चार चीजों से बच गया मैं। इसलिए मैंने कहा मुझे नहीं पता आप किधर है, किस दुनिया में रहते हैं। हमने भी यहीं से शुरू किया था कि हम अल्ट्रेशन वाली चीज नहीं लेंगे, फिर हमने कहा नहीं अब हम प्रोसेस वाली चीज नहीं लेंगे, फिर हमने कहा हम पैकिंग वाली चीज नहीं लेंगे, फिर हमने कहा अब हम नेचुरल चीज लेना शुरू करेंगे, फिर हमने अब यहाँ पे पहुंच गए, कई चीजों में यहाँ पे पहुंच चुके हैं, कई चीजों में यहाँ पे खड़े हैं। तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेयरएवर इज कन्वीनिएंट, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, एंड उसके बाद जिंदगी आसान होनी शुरू हो जाती है आपको।